हेलो स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम वी हैड स्टार्टेड मोलारिटी, मोलारिटी का कुछ हमने आइडिया लिया था। नाउ दिस टाइम विल बी स्टार्टिंग मोलालिटी। अब हम बात करते हैं मोलालिटी की। नाउ दिस मोलालिटी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। बेटा मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज the number of moles of solute dissolved per kg of solvent। देखिए definition, देखिए बड़े ध्यान से देखिए कि molality क्या चीज है। Molality is defined as the number of moles of solute dissolved per kg of solvent। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक किलो सॉल्वेंट में, पर केजी सॉल्वेंट में, एक किलो सॉल्वेंट में जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे वही तो मोलालिटी है, वही तो मोलालिटी है। देखिए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सोल्यूशन है, सपोज दिस इज सम सोल्यूशन विद मी, ये कोई सोल्यूशन है, यहां पर 5 moles of solute are there, 5 moles of solute are there, right? और मान लीजिए यहां पर पानी पड़ा है, पानी पड़ा है यहां पर 1 लीटर, 1 लीटर, या मान लीजिए चलिए 2 लीटर पड़ा है, 2 लीटर पानी पड़ा है। अब बेटा पानी को हमने लीटर में सुना है ना, अब ये जो 2 लीटर है ये तो पानी का वॉल्यूम है, तो पानी का वेट क्या होगा, क्या पानी किलो में हो सकता है, क्या कोई लिक्विड किलो में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, फ्यूल पंप पे, तो हम पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल डलता है पर लीटर। हम पूछते हैं कि भाई साहब कितना रेट है पेट्रोल का, इतने रुपए लीटर, इतने रुपए लीटर। लेकिन जब दूध लेते हैं तो दूध तो हम किलो में लेते हैं, जनरली दूध वाला आता है तो उसका रेट बोलता है जी इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो दूध है, तो दूध भी तो लिक्विड है। देखिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं बेटे कि लिक्विड की बात हम लीटर में भी कर सकते हैं, हम किलो में भी कर सकते हैं। जो लीटर है वो उसका वॉल्यूम है, जो किलो है वो उसका वेट है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, डेंसिटी ये रो लिखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर होती है बेटे 1 ग्राम पर ml। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर ml। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझिए बेटे। इसका मतलब यह है कि हर 1 ml पानी का भार 1 ग्राम है, 1 ml पानी का भार 1 ग्राम है, 1 ml पानी का भार 1 ग्राम है। अब हमारे पास यहां पानी कितना पड़ा है, हमारे पास यहां पानी पड़ा है 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 2000 ml। तो 2000 ml पानी का भार क्या होगा, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम का मतलब हो गया 2 किलो पानी। इसका मतलब यह हो गया कि चाहे मैं 2 लीटर पानी बोलूं या मैं 2 किलो पानी बोलूं, बात सेम ही है। फर्क सिर्फ क्या है कि 2 लीटर जो है वो पानी का वॉल्यूम है और 2 किलो इसी पानी का भार है, राइट? सो जहां 2 लीटर लिखा हुआ है, अब मैं यहां पर 2 किलो करने लगा हूं, बिकॉज 2 लीटर्स इज सेम एज 2 kg। सो आप ये देखिए, इसको कर रहा हूं इरेज, आप ये देखिए कि 2 किलो सॉल्वेंट में, 2 किलो सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट पानी हमारे पास 2 किलो सॉल्वेंट में जो मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हैं वो बेटे 5 हैं। तो 1 किलो सॉल्वेंट में, 1 किलो सॉल्वेंट में मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे, 5/2 आ जाएंगे। अब जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 किलो सॉल्वेंट में मिलते हैं वही तो मोलालिटी है, मतलब यही तो मोलालिटी है। सो मोलालिटी निकालने के लिए मुझे ऊपर क्या रखना पड़ा, ऊपर रखना पड़ा 5। व्हाट वाज 5? 5 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड करना पड़ा बेटा 2 से। ये 2 क्या चीज है, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। सो दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। सो मोलालिटी का ये फॉर्मूला फ्रेम कर दिया जाता है कि मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अब मोलालिटी के यूनिट्स क्या चलेंगे, देखिए अब अगर ऊपर मैं कोई चीज पुट करूं, यहां कोई चीज पुट करूं, कोई वैल्यू पुट करूं,
तो बेटा उसके यूनिट तो मोल्स ही होंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट मोल्स होंगे, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 10 मोल, मतलब यहां तो मोल ही चलेंगे। नीचे यहां वेट आएगा सॉल्वेंट का, किसमें आएगा, केजीज में, तो यहां जो वेट चलेगा वो तो केजीज में चलेगा, सो दिस इज इन केजी, तो फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिट्स बन जाएंगे इसके मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलालिटी। सो मोलालिटी के यूनिट्स बेटे या तो चलते हैं मोल्स पर केजी या फिर चलते हैं मोलल, मोलल, एम ओ एल ए एल, दिस इज एम ओ एल ए एल, मोलल, मतलब आप देखेंगे क्वेश्चंस में लिखा होता है 5 मोलल सॉल्यूशन, 3 मोलल सॉल्यूशन, 7 मोलल सॉल्यूशन। सो मोलालिटी के यूनिट्स इधर यू कैन टेल दैट द यूनिट्स ऑफ मोलालिटी आर मोल्स पर केजी और दे आर मोलल। सो आई होप कि जो मोलालिटी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। देखिए मोलालिटी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मोलालिटी इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलालिटी तापमान के साथ चेंज नहीं होता, देखिए यहां पर कहीं वॉल्यूम टर्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी वॉल्यूम टर्म हियर। देखिए मोलालिटी में तो वॉल्यूम टर्म की इन्वॉल्वमेंट थी ना, यहां कहीं वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब तापमान के साथ ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, तो मोलालिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट with the change in temperature. Molality does not change with the change in temperature. Molality does not change with the change in temperature. Molality तापमान के साथ change नहीं करती, ये पता होना चाहिए, right? So इसको मैं erase करना लगा हूं, and I hope कि जो मैंने आपको बताया समझाया मोलालिटी के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।